दोस्तों आज हम आपके ऐसे सवालों का जवाब देंगे जो कि आपके मन में कभी ना कभी जरूर आए होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए अंत तक। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। नंबर 4, द व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पैसे कैसे कमाता है? हम सब ने कभी ना कभी व्हाट्सएप को जरूर यूज किया है। व्हाट्सएप यूज करने में काफी ईजी है और वो हर मोबाइल में स्मूथली चलता है। व्हाट्सएप को फेब 2019 में बनाया गया था पर्सनल मैसेजिंग के लिए, और तब ये डिसाइड किया गया था कि इस ऐप को पर्सनल मैसेजिंग के लिए रखा जाएगा, ना कि इस पर कोई ऐड चलाया जाएगा। जिससे कि आपने कभी ना कभी कोई ऐप ज़रूर यूज़ किया होगा, तो उसमें आपको एड्स देखने के लिए मिलते होंगे, जो कि कभी कभी बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है। लेकिन 2014 में फेसबुक के ओनर मार्क ज़करबर्ग ने व्हाट्सएप को खरीद लिया $19 बिलियन में। गाइस काफ़ी ह्यूज अमाउंट है, क्योंकि वो जानते हैं फेसबुक के अलावा लोग अगर किसी चीज को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो चीज है व्हाट्सएप, इसलिए मार्क ने व्हाट्सएप को खरीद लिया। दोस्तों हर कंपनी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटो होता है, बहुत सारा प्रॉफिट कमाना। तो व्हाट्सएप से प्रॉफिट कमाने के लिए वो क्या करते हैं कि आपके पर्सनल डेटा एडवर्टाइजर को भेज देते हैं, और उसी पर्सनल डेटा को फेसबुक में सुधार करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब साथ ही साथ व्हाट्सएप ने एक और चीज लॉन्च कर दी है, द व्हाट्सएप बिजनेस। व्हाट्सएप की पॉपुलैरिटी को देखते हुए व्हाट्सएप बिजनेस लॉन्च किया गया है। दुनिया में छोटे बड़े बिजनेसमैनों की कोई कमी नहीं है। तो व्हाट्सएप बिजनेस एक पेड सर्विस है जिसमें आपका ऐप ऑटो रिप्लाई कर सकता है। जैसे कि किसी ने आपके प्रोडक्ट की इंक्वायरी के लिए आपको मैसेज किया हो, तो व्हाट्सएप बिजनेस उस इंसान को ऑटोमेटिकली रिप्लाई दे देगा। तो इस तरह गाइस व्हाट्सएप पैसे कमाता है। दोस्तों दुनिया का सबसे अमीर इंसान कौन है, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है। अगर आपको वीडियो देखने में दिलचस्पी होगी तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपके लिए ऐसे ही दुनिया भर के इंटरेस्टिंग न्यूज एंड फैक्ट्स लाते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों आप में से बहुत से लोग यूट्यूब देखने के लिए एयरटेल जियो या किसी और नेटवर्क प्रोवाइडर का नेट यूज करते होंगे और उन्हें पैसे भी देते होंगे, और बहुत से लोग को लगता होगा कि इंटरनेट के मालिक वही है, लेकिन ये सच बात नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक थर्ड पार्टी है। बहुत से बड़ी बड़ी कंपनियों ने सी में केबल बिछाए बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करके, ताकि आप तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाया जा सके। तो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी दूसरे देशों के नेटवर्क प्रोवाइडर के साथ डील करके अपने इंटरनेट का एक्सेस उन्हें दे देती है, और फिर एयरटेल जियो जैसी कंपनी थोड़े दाम बढ़ाकर वो डेटा हमें बेच देती है। इसी तरह ये सारा इकोसिस्टम चलता है। दोस्तों अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मुझे जल्द से जल्द इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। आने वाले वक्त में मैं इंस्टाग्राम पे OnePlus का फोन गिव अवे करने वाला हूँ, और भी मैं गिव अवे करता रहता हूँ इंस्टाग्राम पे, तो मुझे जल्द से जल्द इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो फॉलो नाउ। दोस्तों नंबर 2 पे है द रिचेस्ट गर्ल। दोस्तों आपने माइक्रोसॉफ्ट का नाम तो सुना होगा, और माइक्रोसॉफ्ट के ओनर का नाम है बिल गेट्स। आपने ज़रूर इनका भी नाम सुना होगा। ये दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट इंसान हैं, अमेरिका के बहुत बड़े ही बिजनेसमैन हैं, और इनकी बेटी है द वर्ल्ड रिचेस्ट गर्ल। बिल गेट्स की लड़की को काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड माना जाता है। बहुत से लड़कों की राय उनके पीछे लगी हुई है शादी करने के लिए। अगर आपकी शादी इनके साथ हो जाए तो आपकी लाइफ पूरी तरह बदल जाएगी, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। दोस्तों आपने कभी ना कभी देखा होगा लंगूर को ही अंगूर मिलता है, बस बात यह है सिर्फ आपको कोशिश करनी है। दोस्तों आपने अपने लाइफ में भी देखा होगा एक खूबसूरत लड़की का हस्बैंड एवरेज ही होता है, बिकॉज लड़कियां पैसा लुक ज़मीन जायदाद नहीं देखती, सिर्फ और सिर्फ लड़के का सच्चा प्यार और उसका दिल देखती है। अगर किसी भी लड़की को आपको इम्प्रेस करना है, अगर किसी भी लड़की को आप अपना प्यार एक्सप्रेस करने में सफल हो जाते हो, तो लड़की आपको अपना दिल ज़रूर दे देगी। दोस्तों इस बारे में आपका कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने और भी देशों के बारे में इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई है, अगर वो वीडियो आपको देखने में दिलचस्पी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके उन वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं तो मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, वर्ल्ड की क्यूटेस्ट गर्ल कौन है। वैसे तो हर लड़की क्यूट होती है, लेकिन आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं उसकी बात ही कुछ और है। मैं पर्सनली उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। अगर मुझे कभी इनसे मिलने का मौका मिले तो मैं ज़रूर इनसे मिलना चाहूँगा। तो चलिए दोस्तों और टाइम को ना वेस्ट करते हुए उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ,
उनका नाम है एलेक्जेंड्रा डार्डियो। ये एक अमेरिकन एक्ट्रेस है। दोस्तों ये लड़की जितनी क्यूट है उतनी खूबसूरत भी है, स्पेशली इनकी आँखें जो किसी को भी अपना दीवाना बना सकती है। मैं इनको फॉलो भी करता हूँ और इनका हर इंटरव्यू देखा है। ये लड़की नेचर वाइज भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ब्यूटी विद गुड नेचर एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। दोस्तों आप अपनी फ्यूचर गर्लफ्रेंड या वाइफ कैसे चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आने वाले वक्त में मैं आईफोन गिव अवे करने वाला हूँ। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो फॉर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वाले वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाले, तो सब्सक्राइब नाउ। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। आपके कुछ सुझाव या सवाल होंगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप सबका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।